मैं हूँ देव, आप सबका स्वागत है देव स्वर्ण में। दोस्तों देखिए, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सीड से एरेनियम प्लांट को कैसे ग्रो करें। ये वही सीड है फ्रेंड्स, जो मुझे 2 दिन पहले समनंदु सर ने केरला से भेजा हुआ है, गिफ्ट किया था। अब इसी को मैं इस पानी में कम से कम 12 घंटे के लिए छोड़ दूँगा, ताकि ये अच्छी तरह से पानी को सोख ले। और इसमें ताकि फंगस ना लगे, इसलिए थोड़ा सा चुटकी भर फंगीसाइड, आप कुछ कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं, और इसको पानी में अच्छी तरह से घोल लीजिए। ये सारे के सारे सीड्स फ्रेंड एकदम गुड कंडीशन में है, तो इसका जर्मिनेशन भी शायद मुझे 100% ही मिलेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ तो। अब इसको 10 से 12 घंटा रख के छोड़ देंगे। देखिए ऐसे इसको छोड़ देंगे 10 से 12 घंटा। फ्रेंड्स लगभग 12 घंटा हो चुका है, और देखिए मेरा सीट सब नीचे बैठ चुका है। देखिए पूरा सीट इधर, देखिए जो ये तो दो सीट है इधर तैर है ऊपर, मतलब ये सीट जर्मिनेट नहीं होंगे, खराब हो चुके हैं। इसको आप फेंक दीजिएगा, क्योंकि अगर ये रहेगा तो इसमें फंगस लगने का खतरा रहेगा। और ये एक सीट ऊपर तैर रहा है, लेकिन मुझे लग तो नहीं रहा है कि खराब है, तो ठीक है फ्रेंड, इसको मैं बाहर रख देता हूँ इधर, बाद में इसको हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा। और ये जो सीड्स है, सारे के सारे सीड्स को हम बाहर निकलेंगे। देखिए फ्रेंड्स जो सीड्स है वो फूल के पूरा पूरा फूल चुका है। अब इसको हम टिश्यू पेपर मेथड से इसको जमेट करेंगे। इसके लिए एक बॉक्स में इस टिश्यू पेपर को कुछ ऐसे प्लेस कर देते हैं। थोड़ा सा पानी जो एक्सेस वाटर है उसको हम निकाल देंगे इधर से। इसको थोड़ा सा और मोटा कर देते हैं। गद्दा बन चुका है इस टिश्यू पेपर का, इसमें ज़्यादा पानी ना हो, नहीं तो आपका सीड्स खराब भी हो सकता है। इसको से थोड़ा सा मॉइस्ट करना है पानी से, इस तरह से। अब और जो सीड्स है सब तो सीड्स को हम निकाल लेंगे। पानी है इसका, वो पानी को हम ड्रेन कर देंगे। देखिए पूरा सब सीड अच्छी तरह से फूल चुका है। अब इन सीडों को इस बेड में अच्छे से प्रेस कर लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, सारे के सारे सीट मैंने इधर फैला दिया है। अगर आपके सीट्स अच्छे हैं तो आपका 100% रिजल्ट आएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर देंगे, एकदम जस्ट इनको मॉइस्ट करना चाहूँगा। और मैं हमारे पास जो एक सीट था जो तैर रहे थे, तो इसको हम देखिए, ये सीट बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। देखिए सीट्स का क्वालिटी देखिए, ये भी अच्छा है और ये भी जर्मेंट हो जाएगा। देखिए इसको भी इस तरह से रख देते हैं इधर, और फिर ऊपर से और एक टिश्यू पेपर से इसको हम कवर कर देंगे। इसको हमें जस्ट थोड़ा सा ही पानी, ज़्यादा पानी नहीं देंगे, नहीं तो इसमें फंगस लगने का खतरा है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको पूरी तरह से कवर कर दिया है ऊपर से टिश्यू पेपर से। अब इसको हम ढक के पूरी तरह से एयर टाइट करके इधर एक कोने में छोड़ देंगे 3 दिन के लिए। तो 3 दिन के बाद इसके रिजल्ट के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अभी 3 दिन हो चुका है और मेरा सीट बहुत ही अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो चुका है। देखिए इसका छोटा छोटा रूट्स जो है वो निकल आया, देखिए सभी में। अभी इसको मैं इसी टाइम पे पॉटिंग मिक्स में डाल दूँगा, और इसके लिए पॉटिंग मिक्स में जो ले रहा हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सैंड, ये कोकोपीट और ये है वर्मी कंपोस्ट, इक्वल रेशियो में है फ्रेंड्स। इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे, इसको मिला लिया है फ्रेंड्स। अभी इसको देखिए एकदम पूरा प्रेस करके एक बेड जैसा बना लेंगे हम, ताकि इसके अंदर कोई एयर गैप्स ना हो। अभी फ्रेंड्स इस पॉटिंग मिक्स को थोड़ा सा मॉइस्ट कर लेंगे इस फंगिसाइड मिलाए हुए पानी से, और ऐसे पूरा चक्की के नीचे से जो पानी है वो निकल जाए एकदम। दोस्तों ध्यान रहे, इसमें पानी जमना नहीं चाहिए, इसमें जो कंपोस्ट है उससे तो इसका पूरा पोषण मिल जाएगा, और सैंड से इसका अच्छी तरीके से ड्रेनेज सिस्टम बन जाएगा, और कोकोपीट जो है वो इसका वो पानी को होल्ड करके रहेगा ताकि इसका रूट जो है वो सूख ना जाए। देखिए फ्रेंड्स अच्छी तरीके से भिगो दिए इसको। अभी फ्रेंड्स एक चिमटे की मदद से जो है इसमें हम पूरा सीड्स को फैला लेंगे 1 इंच करके गैप छोड़ के। ये देखिए एक एक करके पकड़ेंगे, ये देखिए एक एक करके हम उसको 1 इंच का गैप देंगे। ये देखिए इसको 1-1 इंच का गैप देंगे, छोड़ देंगे इस तरह से। और एक लेता हूँ फ्रेंड्स, देखिए एक एक करके देखिए इस तरह से फ्रेंड्स मैं पूरा सीट्स को फैला लेता हूँ। उससे बाद मिलता हूँ आपसे।
देखिए फ्रेंड, इस तरह से इसको 1 इंच का गैप देके फैला लें और इसके ऊपर थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा हाफ करके कोकोपीट और जो मिक्सर हमने बनाई वो इस तरह से डाल लें, ढक दें हल्का करके, देखिए ताकि ये सूख ना जाए। तब तक आपको इसको पूरा फैलाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा फ्रेंड, तो तब तक ये सूख ना जाए इसके लिए इसको अच्छी तरह से ढकता जाए। देखिए फ्रेंड, मैंने पूरा इसको फैला दिया है और इसके ऊपर एक हल्का सा लेयर छोड़ देते हैं सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसमें फ्रेंड्स पूरा भिगो देंगे इसको एकदम, ताकि इसके अंदर मॉइस्चर बनी रहे थोड़ा थोड़ा। और फ्रेंड जो पानी है इसको आप इस तरह से फुहारे से दें ताकि जो सीड्स है वो अपनी जगह से ना हिले। अब देखिएगा इसको देने के बाद थोड़ा थोड़ा सीड्स आपका दिख जाएगा, क्योंकि पानी का हल्का तो फोर्स तो होता ही फ्रेंड्स। तो क्या करें उस जगह पे कर ले, और ये देखिए मेरा इधर एक दिख रहा है सीड्स, इसको इस तरह से कवर कर दे। और भी कई चीज़ें दिख रहा है कि देखिए इधर इधर इधर, और फिर से इस पर पानी देना पूरा। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसको इधर एक शेडेड एरिया में रख दिया है, इसमें से थोड़ा सा खिड़की से थोड़ा सा धूप आता है मॉर्निंग के टाइम, और बाकी टाइम इधर पूरा शेडेड है। तो इसको छोड़ देंगे और दिखाते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट क्या है। और ये कुछ सीट है मेरे पास, मतलब इसी का सीट्स था जो जर्मिनेट नहीं हुआ है, तो इसको भी कैसे जर्मिनेट करना है मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, क्योंकि इस सीट में वो पावर नहीं है कि ये अपना जो सेल है इसको तोड़ के बाहर निकल सके, तो हमें अपने हाथों से इस सेल को निकालना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, अभी इस सीड को जो सेल से इसको हम अपने हाथों से अलग कर देंगे। उससे पहले इस बॉक्स में एक टिश्यू पेपर को सेट कर देते हैं। देखिए इसको हल्के हाथों से इस तरह से ट्विस्ट करेंगे तो ये इसका सीड्स अंदर से निकल आएगा। ध्यान रखिएगा ताकि निकलते समय इसका जो व्हाइट पोर्शन है वो डैमेज ना हो। ये देखिए इसके अंदर भी एक पतला सा लेयर होता है, आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी निकल सकते इसको। इसको हल्का सा ये देखिए फ्रेंड्स ये निकल आया है। ये देखिए इस तरह से इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। बाकी का सीड्स को भी मैं निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, और एक बार दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इस तरह से हल्के हाथों से हल्के हाथों से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए इसका जो है पूरा निकल चुका है, और इसको नीचे से रूट की साइड से थोड़ा सा
थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये देखिए, ये देखिए इसका पूरा जो कोटिंग है वो निकल आएगा और इसको आपको जर्मिनेट करना है। मैंने पूरा का पूरा सीड जो है निकल लिया है, ये देखिए। ये काम बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड, अगर आपका सीड्स अपने आप से जर्मिनेट ना हो, क्योंकि इस सीड्स में वो बात नहीं है कि वो अपने आप में इस सेल्स को हटा के, और जो पतला सा परख होता है ये वाला इसको हटा के वो अपने आप निकाल आए। देख सकते हो, इसके लिए आपको ये हेल्प करना पड़ेगा ताकि ये ठीक से जर्मिनेट हो सके। तो देखा होगा कि काफ़ी बच्चे जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान अपने आप नहीं आ सकते, तो डॉक्टर क्या करते हैं उसको वैक्यूम की मदद से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक ऐसे ही है कि खुद से नहीं आ सकते, आपको उसको हेल्प करना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। और उसके बाद ऊपर से और एक टिश्यू पेपर से मैंने इसको पूरा ढक दिया है। देखिए, अगर आप ये प्रोसेस अपनाएंगे तो आपका 100% जर्मिनेट होगा, ये कंफर्म है, अगर आपका सीड सही है तो। मेरा तो देख ही सकते हैं पूरा वाइट कलर का पूरा सीड है, और इसको अभी लीड लगा के छोड़ देंगे 2 से 3 दिन। ये आज 10 दिन के बाद का रिजल्ट है। 10 दिन के बाद मेरा ये सभी सीड्स को बाहर निकल चुका है, और कुछ जो छोटे छोटे देखिए ये भी बाहर आ चुके हैं, 2 पत्ती भी आ चुके हैं इसमें, किसी किसी में ये देखिए बीच में से पत्ती भी निकल आए हैं। और जो मैंने बॉक्स में इसका जो हस्क है निकलने के बाद रखा था उसको आप देखिए, आप एकदम पूरी तरह से ये भी बड़ा हो चुका है। तो जिस सीड्स में जान है वो तो अपने आप निकल आएंगे, लेकिन जिसमें जान नहीं है उसको आपको थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा बाहर आने के लिए, और कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, बस ऐसे ही इसको मिट्टी में लगा दीजिए। देखिए मैंने मिट्टी बना हुआ है और उसमें मैंने छोटा छोटा होल कर दिया है, और करना क्या है, ये इधर से सिर्फ एक पत्ती से पकड़िएगा, कहीं और पकड़िए मत, नहीं तो डैमेज हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही आराम से निकल आए। अब इसको क्या करना है, ये देखिए इसके अंदर इस तरह से आपको डालना पड़ेगा। ये देखिए ये पूरा अंदर चला गया, आप इसको अब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिट्टी को इधर से आप प्रेस कर दीजिए इस तरह से, बस हो गया काम। आप ये 1 या 2 दिन में अपना रूट्स और डेवलप करके ये बड़ा हो जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा इस तरह से स्प्रे के जरिए थोड़ा सा पानी इसमें आप दे दीजिए, बस और कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स। इसी तरह मैंने बाकी का जो सीडलिंग है वो भी मैं लगा लूँगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से जर्मिनेट कीजिए, आपका पूरा 100% रिजल्ट आएगा अगर आपका सीड्स अच्छा है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ सुझाव है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इसके अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं इसका जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।